सब पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं इट्स मी हमजे इन योर वाचिंग एच थ्री एक्स वेलकम बैक टू द चैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर खरीद से होंगे इन्जॉय कर रहे होंगे और आज का टाइटल बड़ा मज़ेदार है मुझे पर्सनली मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हमें तरह तरह की ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जो कहीं से नहीं मिलेगा टाइटल है जनाब मदरसा स्टूडेंट्स ऑन इस्लाम वर्सेस साइंस तो अब कुछ मदरसे वाले के जो एक पर्टिकुलर जो एक टॉपिक है जिसपे हमारी और वो लोग जो के फुल फुल ऑन मदरसे को ही फॉलो करते हैं उनकी जो बहस होती है वो ये कि ज़मीन साकिन है या नहीं या फिर जो है ना बहुत सारे एक्सपेक्ट ऐसे जो के मतलब जिनके बारे में डायरेक्टली कुरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा वो एक्सप्लन करते हैं जैसे ज़मीन रुकी हुई है ये एक, एक थे उनकी आप कह लें इंटरप्रेशन है कि जमीन साकििन है ऐसा कुरान में कहीं नहीं है कुरान में तो है कि ज़मीन सूरज चाँद सितारे ये अपने मदार में चक्कर लगा रही हैं बट उनकी एक है आप क्या करें इस पर तो लेट्स सी मुझे पक्का यकीन है क्योंकि जब इस्लाम वर्ष साइंस है तो ये बात लाजमी आएगी स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब कर लो थ्री टू वन एन कैसे देखते हैं साइंस या फिर जहाज तरक्की तो नहीं चाहिए फिर माइक में क्यूँ बोल रहे फाई? पाकिस्तान का जो हल ना है ना सिर्फ जहाद जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फता हुआ जहाद ही से फिर तुम गाय करो घोड़ो पे चला करो पक्का फता हो सकता पाकिस्तान का नदाम नहीं ठीक हो सकता

क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए नहीं वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना हिंदू थे ना चलो जहाजा तो। पहले तो एक ही थे ना पहले तो एक <laughs> ही थे यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे चले आप समझ रहे मेरी बात अगर वो ना थोड़ा सा हो अच्छा। अगर वो इस पाकिस्तान में रहे, वो रह सकते अच्छा। नहीं मिला लेकिन भाई साहब ने ये जरूर कहा इस्लाम से हम, इस्लाम का साइंस से क्या लेना देना या साइंस का हमें क्या लेना देना और पाकिस्तान की तरक्की करनी है तो जिहाद करना होगा तो भाई जहाँ जहाँ तुमने जिहाद किया क्या वहाँ पे तरक्की हो गई अगर हम देखें जो मोस्ट ग्लोरेफाइड एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर क्या उन्होंने साइंस में तरक्की नहीं की रेलवे लाइन नहीं बिछाई थी uh, नेफ्था जिसे वो कहते थे आज जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं वो नेफ्था कहते थे उसको क्या उन्होंने उस पर काम नहीं किया क्या जो है ना इंजीनियर्स जिसको वो मोहंदिस कहते हैं हम मोहंदिस किसी और चीज़ को कह देते हैं इंजीनियर्स को पर्टिकुलरली मोहंदिस कहते हैं तो क्या उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया द थिंग इज़ के यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मदरसों में लोग वो मैट्रिक पास भी नहीं होते उनको टके की अकल नहीं होती और इस वजह से जो है ना वो इस तरह के आर्गमेंट्स पेश करते हैं कि भाई इस्लाम का साइंस से क्या लेने देना मैं कहता हूँ डायरेक्टली लेना देना है कुरान में साफ़ कहा गया है कि आसमान सूरज चांद सितारों में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं अब साइंस का अगर लेना देना नहीं है तो क्यों हमें कहा गया है कि हम आसमान को ऑब्ज़र्व करें या एस्ट्रोनॉमी को देखें क्यों कहा गया है भाई इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्ट ताल्लुक है भाई आ, हम सबको पता है पानी से ज़िंदगी शुरू हुई है तो क्यों कहा गया कि आ, एक पानी के कतरे से तुम्हें बनाया गया और तो इन इन लोगों इन लोगों का ध्यान सिर्फ जो है ना मरने पे है मारने पे है हूरों में है और इन्हें जो है ना वो चाहिए अब ये देखो साइंस साइंस कर रहा था कि साइंस का लेना देना नहीं है माइक्रोफोन में बात कर रहे कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा फिर जो इसने कपड़े पहने हुए हैं वो किसी टेक्सटाइल मिल में बने होंगे किसी लूम पे बने होंगे और फिर किसी स्विंग मशीन पे इसको सिला गया होगा तो क्या वो सब साइंस से नहीं आए और ख़ुद भी इनके जेब में मोबाइल होगा उसमें इंटरनेट भी होगा क्या वो नॉन मुस्लिम्स की बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं तो बात सीधी सी है ए, इनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होता है इनको सिर्फ पट्टी पढ़ा रखी होती है अभी देखें अपनी ही बात पर ये चुप हो गया कि पहले तो सब इकट्ठे थे और सुकून से रहते थे फिर क्यों अलग हुए तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था या फिर हुक्म तो आया था मक्के में बुतों को साफ़ करने का तो हमारी अपनी जगह थी चलो कर दिए सोमनाथ के मंदिर आपने डिस्कस किया तोड़ा क्यों तोड़ा मैं बता देता हूँ क्यों तोड़ा भाई हीरे जवरात के लिए तोड़ा सोने के लिए तोड़ा उसने छः दफ़ा हमला किया पाँच छः दफ़ा किस लिए किया वो आता था लेके चला जाता था उसको तो वो कहते ना हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी वो आता था चिड़िया में से कुछ ना कुछ तोड़ के पर वर ले जाता था तो ये ये इनकी बातों पे सीरियस होना ऐसे ही है कि भैंस के आगे बीन बजाना ये कभी नहीं समझेंगे इन्होंने वही कहना है ज़मीन साकिन है सूरज और चांद हमारा चक्कर लगा रही हैं और हम 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 क्या बोले ओह बहरअल आप इस पर क्या कहेंगे मैं तो इनकी बातें सुन सुन के दिन ब दिन ये होता जा रहा हूँ कि क्या बनेगा अगर ये लोग वाकई ही इनके हाथ में हुक्मरानी आ गई तो पाकिस्तान का क्या बनेगा जो थोड़ा बहुत लूला लंगड़ा चल रहा है क्या बनेगा उसका और यहाँ पर रहने वाले वो तमाम लोग जो इनसे से इख्तलाफ करते हैं उनका क्या बनेगा मैं तो ये सोच रहा हूँ मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा गाइस